नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में हुए शामिल। इसमें 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। जनपद बिजनौर में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम तथा झोलाछाप डॉक्टरों पर अपेक्षित नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मुख्य चिकित्साधिकारी को सघन जांच कराकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश। बिजनौर में 2.5 लाख रुपए के फरार इनामी बदमाश आदित्य राणा और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। कुख्यात आदित्य राणा मौका पाकर साथियों समेत हुआ फरार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आदित्य राणा के भाई को बोलेरो कार सहित पकड़ा। बिजनौर में आभास महासंघ के बैनर तले दर्जनों सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट परिसर, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा। चांदपुर में महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, जिसमें शहर के अनेकों लोगों ने लिया भाग। जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीती रात चोरों ने दीवार फांदकर घर में घुसकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी से संबंधित जानकारी जुटाई। रेहड़ में बीआरसी मानियावाला पर उत्तर प्रदेश मिलेट्स वर्ष 2023 कार्यक्रम में मोटे अनाज पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। इस अवसर पर विद्यालय व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रही मौजूद। रेहड़ में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मानियावाला में रैली निकालकर लोगों को संतुलित आहार के प्रति किया जागरूक। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित प्राथमिक विद्यालय स्टाफ भी रहा मौजूद। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। जनपद बिजनौर के स्योहारा राणा नंगला के जंगलों में पुलिस और आदित्य राणा व उसके साथियों से हुई मुठभेड़। हालांकि कुख्यात आदित्य राणा मौके पाकर साथियों समेत भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने फिलहाल आदित्य राणा के भाई को बुलेरो कार समेत दबोच लिया है। बता दें कि 4 जिलों की पुलिस की कई टीमें आदित्य राणा की तलाश में जुटी हुई हैं। आदित्य राणा की फरारी को लगभग 6 माह होने को है, लेकिन अभी तक कुख्यात आदित्य पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल उसके भाई से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आदित्य राणा शासक द्वारा चिन्हित एक छाते माफिया है। इसके विरुद्ध 40 से ज्यादा मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है, जिसमें हत्या, अपहरण, 307 तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। माननीय न्यायालय बिजनौर ने इसके विरुद्ध नॉन बेलिबल वारंट जारी कर रखे। नॉन बेलिबल वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए बिजनौर पुलिस निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी एक प्रयास में आज सुबह लगभग 3:30 बजे स्योहारा पुलिस टीम की एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है अपराधियों के साथ, जिसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम बिट्टू चंद्रवीर सिंह है, जिसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो कि आदित्य राणा का सगा भाई, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके पास से एक बुलेरो गाड़ी तथा एक अवैध तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आदित्य राणा और उसके साथियों की सघन तलाश जारी है। उसको शीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चांदपुर नगर में पुलिस कोतवाली के समीप सरदार भगत सिंह स्मारक पर भगत सिंह के शहीद दिवस पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भगत सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा,
हजारों साल कितने बलिदान, कितने माताएं बहनों के संघर्ष, हमारे पूर्वजों के संघर्ष, सब जाके हम 60-70 साल में इस खुली हवा में अपना बहुत कुछ गवा के भी आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगत शर्मा ने की तथा संचालन सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य विनेश त्यागी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर खूब सिंह, मास्टर जयपाल सिंह, बलवीर सिंह, पटवारी सूखे सैनी, विनोद राठी, कपिल चौधरी सहित सुरेश सिंह आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। यूं तो यातायात के नियमों का पालन करना सुरक्षा के लिहाज से सभी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अभी हाल ही में ड्यूटी करके थाने से लौट रहे अमरनाथ सिपाही की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाने के बाद बिजनौर के नए तेज तर्रार ईमानदार छवि के पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन ने दोपहिया वाहनों के पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनने के सख्ती से लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। एसपी के आदेश के उल्लंघन करने पर एमवी एक्ट की कार्यवाही के साथ साथ संबंधित थाना प्रभारियों पर भी गाज गिरना तय है, यानी पुलिस कर्मियों के साथ साथ थानाध्यक्ष पर भी निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में आदेश के बाद पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आदेश के पहले दिन में हेलमेट बेचने वाले ने बताया कि 40 पुलिस कर्मियों ने आज हेलमेट खरीदे हैं और यही वजह है कि गली गलियारों व मुख्य सड़कों पर बाइक पर सवार सिपाही चलाते व बैठी सवारी भी हेलमेट पहनकर अपना सफर तय करते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। वही एक सिपाही ने बताया, ध्यान रखा है तो क्या लगता है ये अपनी सुरक्षा है, जो भी व्हीकल्स पर ट्रेवल करते हैं सब कुछ सुरक्षा है, उसमें कोई जबरदस्ती बात नहीं होती, उसमें हम लगाएंगे तो हमारी सुरक्षा है और जितने भी सब ट्रेवल करेंगे ये सब सुरक्षा है, अपनी जान माल खानी की सब कुछ बचत होती है। अच्छा, जैसे कि कप्तान साहब ने हेलमेट के आदेश दिए हैं उसके बाद में ही हेलमेट लगाए गए हैं या पहले भी लगाते थे? नहीं, पहले भी लगाते थे, अब तो सभी को लगाने चाहिए, इसमें तो सभी का फायदा है। तो आप कप्तान साहब को क्या कहना चाहोगे? इसमें हमारे कप्तान साहब बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं और इसमें कम से कम एक्सेप्टी होगी, जैसे कि जान की सुरक्षा होगी, बहुत अच्छा डिसीजन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानकचंद छेड़ा है। मैं, हमारा हेलमेट का काम बिजनेस है। आज पुलिस कर्मियों की लाइन लगी हुई है हेलमेट खरीदने के लिए। पुलिस कर्मी कह रहे हैं कि एसपी साहब का आदेश है कि बिना हेलमेट के कोई पुलिस वाला व्हीकल नहीं चलाएगा। आज सुबह से अब तक 40 पुलिस कर्मी करीब हेलमेट ले जा चुके हैं। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के डबल फाटक के पास स्थित स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वही आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मियों ने बमुश्किल कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया। दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। दुकान में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये थाना होटल के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन नजीबाबादी स्थल पर गाड़ी पहुंची और आग को काबू को पाने का प्रयास किया गया। आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन नजीबाबाद और बिजनौर से गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। ठीक है। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में महात्मा विदुर सभागार कलेक्टरेट में लू, गर्मी बचाव व संभावित सूखे से निपटने की तैयारी के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
उन्होंने कहा कि लू गर्मी के मद्देनजर सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारी समय से पूरी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में लू से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की विशेष व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ORS पैकेट एवं जीवन रक्षक दवा आदि की व्यवस्था के साथ साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सा दल एवं वाहन की समुचित व्यवस्था भी हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभावितों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि लू में बचाव के लिए विशेषकर बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।